G20 इवेंट का दूसरा दिन LG मीडिया इंटरेक्ट कर रहे थे और वहीं आपको बताते हैं G20 जिसकी सरबराही हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है। G20 वो 20 ममालिक जो कि पूरी दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड भी करता है। यही 20 ममालिक जो है ग्लोबल GDP का 85% भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्लोबल GDP 85% इन्हीं 20 ममालिक से आती है। तो ये G20 इवेंट काफी अहम है और इसमें दो मेन टास्क अगर हम कहें या दो मेन ट्रैक भी रहते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंकर्स पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं और वहीं शेरपा जिनको गाइड भी कहा जा सकता है, मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेट्स जो है वो फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। ऐसे में यही फॉरेन डेलीगेट्स, यही शेरपाज ने कल 7 ममालिक से जो ये डेलीगेट्स थे, शेरपाज थे, उन्होंने कल नेशनल पॉलिसी स्ट्रैटेजी जो फिल्म मेकिंग के हवाले से उस पर भी बातचीत की, उस पर भी एक पैनल डिस्कशन हुआ। वहीं आपको बता दें कि जो हिंदुस्तान के जायंट्स हैं, इंडस्ट्री फिल्म मेकिंग जायंट्स हैं, नेटफ्लिक्स हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो, उनका भी पैनल डिस्कशन रहा, जिसके बाद जो है आपको बता दें कि रामचरण ने और दीगर ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म टूरिज्म के हवाले से एक ड्राफ्ट को अनवेल भी किया। तो बहुत कोशिश है इस G20 इवेंट के जरिए से कि कश्मीर के फिल्म टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, आरिस पठानिया साहब, सुजादा बशीर साहिबा, मुशाक अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुशाक अली आप ही के पास आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो G20 इवेंट हो रहा है इसमें जो कोशिशें हो रही है कि कश्मीर को फिल्म टूरिज्म के हवाले से प्रमोट किया जाए, इसको लेकर आपको क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जैसे मैं गवर्नमेंट के अभी तक के तमाम प्लानिंग्स और तमाम जो इनके इकदाम हैं उनको सराहता रहा हूं, आज भी सराहूंगा कि G20 से एक तो जो ऑलरेडी मशहूर है हमारा कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार फिर से मौका मिलता है इसको लाइमलाइट में आने का, न्यूज में आने का, और इससे मेरे कश्मीर का टूरिज्म बढ़ता है। और टूरिज्म बढ़ता है तो मैं डायरेक्टली टूरिज्म से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे कश्मीर की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होती है, जिसके लिए मैं खुश हूं। दूसरी बात जो इसका मौजू रहा है G20 का, दैट हैज बीन फिल्म टूरिज्म, कि फिल्म का यहां पे आना जाना, फिल्म की शूटिंग्स का यहां होना बहुत होगा। इससे मैं और ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, फिल्में यहां होंगी, शूटिंग्स यहां होंगी, तो मेरे जैसे आदमी के लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं, फिल्म मेकर हूं और फेस्टिवल करता हूं फिल्मों के। लेकिन यहां पे जहां मैं इस गवर्नमेंट के हर एक अकदाम को सराहता आया हूं, उसकी सताइश करता आया हूं, एक बहुत जरूरी और एक हम्बल बात कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि क्या कोई कश्मीर का फिल्म मेकर या कोई फिल्म आर्टिस्ट या कोई भी फिल्म से रिलेटेड ऐसा इंसान या ऐसा एक्सपर्ट इनको ना मिला कि जिसको ये इसमें शामिल करते, जिसको स्टेक होल्डर बनाते, या कम से कम उसको उस डिबेट में, उस डिस्कशन में बुलाते, उसको दावत देते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि J&K से किसी फिल्म मेकर को, किसी फेस्टिवल डायरेक्टर को और फिल्म से जुड़े हुए किसी को बुलाया नहीं गया, जिसका मुझे दुख है। और मैं डिमांड करता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। जी आरएस पठानिया साहब, कई इकदाम हो रहे हैं, हर तरफ से सराहा जा रहा है, तमाम कोशिशें जो LG इंतजामिया की तरफ से की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक बात जो यहां पर मुश्ताक अली साहब ने कही कि ऐसा क्योंकि क्या कोई कश्मीरी फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर नहीं मिला जिनको इंक्लूड किया जा सके इस डिस्कशन में, उनका पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़े पहले तो एक रेड लेटर डे, बहुत बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कश्मीर एक्ट करने जा रहा है, और G20 का तीसरा टूरिज्म ग्रुप का जो बैठक है, वर्किंग ग्रुप का जो बैठक है, वो कश्मीर में होने जा रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में टूरिज्म किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उनमें 5 जो बिंदु डिफाइन किए गए हैं, MSME, डेस्टिनेशन टूरिज्म, और
इन सब पे एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी तकरीबन दुनिया की जो मेजर पावर्स है बैठ के बनाएंगे। और इस सब टूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो टूरिज्म है, जो कश्मीर अपने आप में एपी सेंटर रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में, एक वक्त आप शम्मी कपूर का वो जमाना देखें तो कश्मीर की कली, जिसने कश्मीर के एक फिल्म फेयर के टूरिज्म को एक नया प्रोजेक्शन वहां पे दिया था। लेकिन पिछले चंद दशकों से काला साया जो था वो ऐसा करने से फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म डायरेक्टर्स को, फिल्म के अदाकारों को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन आज एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, अगर इतना बड़ा इवेंट कश्मीर में हो सकता है तो कश्मीर में हर किस्म का टूरिज्म और खासकर फिल्म रिलेटेड इंडस्ट्री टूरिज्म, जो कश्मीर एक मोस्ट स्पॉट, जहां तक कश्मीर के स्थानियों को बुलाना, देखें ये एक डेलीगेट्स मीट है, ये कोई पंचायत नहीं है लोकल यहाँ पे कि यहाँ पे लोकल लोग इकट्ठा होंगे और अपने अपने व्यू पॉइंट उसमें रखेंगे। ये एक विभिन्न विभिन्न G20 के जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनका एक डेलीगेट मीट है। उस डेलीगेट मीट में डिसाइड होगा वर्चुअली, जो अगर फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर्स और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर वालों को होगा। तो इस तरीके का आर्गुमेंट एक प्रोजेक्ट करना कि चूंकि जम्मू कश्मीर के फिल्म के डायरेक्टर को, बेकर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को वहां पे इन्वॉल्व नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ये एक तर्कसंगत जिसे कहते हैं, एक रीजनेबल अपनी ओर से एक आर्गुमेंट रहेगा। इस बात पर संतुष्ट करना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट जो सबसे पहले तो भारत में, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है और उसका जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो बैठेगा वो कश्मीर में हो रहा है, तो हमें कोई भी स्पेस जिसे कहते हैं एक नकारात्मकता, नेगेटिविटी की जिसे कहते हैं एक हीन भावना की छोटी सी नेगेटिविटी में ना फंसते हुए इट्स ए पॉइंट टू सेलिब्रेट, हमें जितना सेलिब्रेट करना है। सुजाता जी, सुजाता जी आप क्या कहना चाहेंगी, बहुत बड़ा इवेंट है, ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट किया जा रहा है कश्मीर को, कल्चरली भी प्रमोट किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छी बात है जम्मू कश्मीर को स्पेशली इस बारे में, इसके लाइक G20 के लिए सिलेक्ट किया गया है, वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नो डाउट आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई थिंक नाउ दैट टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, तो यहाँ के लोगों के लिए एक सुकून आ जाए, यहाँ के लोग अगर बिजी हो जाए जॉब्स में, बिजनेस में, व्हाट एल्स, उससे बढ़कर क्या बात होगी? कोई भी जहाँ कोई भी आता है तो सोचता है कि यहाँ की डेवलपमेंट, तो यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के, यहाँ की लड़कियां, यहाँ का यूथ, तो वो सेफ हो जाए। सो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो लुकिंग कि यहाँ एक सेफ स्टेट हो जाएगी। एंड फिल्म इंडस्ट्री है, ये ऑलरेडी रह चुकी है, बहुत इसका एक नाम रह चुका है कश्मीर में कि यहाँ शूटिंग्स पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आते थे, इवन साउथ से लेके बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेके बहुत सारी, आई थिंक हॉलीवुड, एक दो फिल्म्स भी यहाँ शूट हो चुकी है इससे पहले। तो अगर वो वापस हो रहा है, मुझे लगता है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ड्रग्स की ओर जो बच्चे हैं वो खत्म हो जाएगा, स्पेशली जो हमारा यूथ जो इस टाइम ज्यादा पेरेंट्स दे आर रियली डिस्टर्ब कि हमारे बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, तो अगर इससे अगर उन पे एक इफेक्ट हो रहा है कि हाँ भाई हमारे बच्चे एक अच्छे रास्ते की ओर जा रहे, वी शुड ऑल वेलकम दिस थिंग। एंड डेफिनेटली डेलीगेशन आई है, बट वन थिंग इज देयर दैट दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एवरीवन हियर, दे आर नॉट कॉलिंग एवरी वन टू गेट इंट्रोड्यूस टू दीज पीपल, बस एक लिमिटेड लोगों को रखा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट फ्रॉम द पोलिटिकल पार्टीज, वाई? इट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन स्टिल, दे शुड बी एटलीस्ट उनकी भी अगर ये लोग राय ले लेते या उनसे भी एक उनकी एक मीट हो जाती, आई थिंक थिंग्स मे हैव चेंज इन डिफरेंट वे, उनका हर एक का सुनने का भी होता है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी या एक एक चीज को आप देखेंगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, होल सिनेरियो दे हैव टू सी कि अगर लोग, और जो कल हमने देखा एयरपोर्ट पे नॉट अ कश्मीरी वुमन्स वेर वेलकमिंग, दे वर द गर्ल्स वेर फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर, व्हाई नॉट फ्रॉम J&K, व्हाई नॉट द पीपल ऑफ J&K वेलकम देम, गिव अ चांस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उनको आके वेलकम करे, वो जो भी है, आप देखिए टर्निप्स ऑरेंज, व्हाई नॉट विद द कलर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया का एक अपनी पहचान है, नॉट अ टर्निप इज नॉट एन ऑरेंज कलर, चले anyway, that is not the big deal, but I think यहाँ के लोग अगर उनको वेलकम करे एंड एक प्रॉपर, वो जो सिक्योरिटी हमने देखा इतना टाइट था, लोगों को घर से बाहर नहीं, इट मीन स्टिल वी आर लिविंग इन सच थिंक के लाइक हमें अभी भी डर है कि कुछ ना हो जाए, बट वो कुछ ना होने से बेटर है कि आप लोगों को बाहर आने का मौका दें, उनसे मिलने का मौका दें, लिसन टू देम, लेट देम कम आउट, चाहे आपको थोड़ा सा नाराजगी भी अगर लोगों से सुननी पड़ेगी, बट एटलीस्ट उनसे एक हीलिंग पॉइंट भी मिलेगा उनको कि नहीं हमें भी मौका दिया गया बोलने का, हमें भी मौका दिया आने का,
अब हम लोग एज अ पॉलिटिशियन वी आर सिटिंग इन साइड द हाउस, वी आर नॉट अलाउड कि नहीं जी आपको बाहर नहीं मिलना है किसी को, आप लोगों को कहीं अलाउड नहीं है. आई थिंक आई हैव सीन इससे पहले भी जैसे समिट्स वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं, जितने भी ये जी समिट के ये है मीटिंग्स हो ये, बट वहाँ ऐसी टाइटनेस हमने कहीं नहीं देखी है. लेट द पीपल ब्रीद फ्री एयर, लेट द पीपल मीट दीज पीपल, लेट देम कम टू नो. नहीं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे को फ्रीली मिलने दे रहे, किसी को मिलने दे. फिल्म फॉर्टुनेटली कोई है ही नहीं कश्मीर से और फ्रॉम आउटसाइड, हु इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मैंने जहां तक देखे यहाँ बहुत सारे बच्चे भी जिन्होंने इंडस्ट्रीज ज्वाइन भी की है, मॉडल्स है, लाइक आई डोंट थिंक सो कोई भी कमी है यहाँ, या कोई भी पॉलिटिशियन और स्टूडेंट्स वेयर आर दे, वो किधर है, उनको क्यों नहीं मिलने दिया, उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया टू गेट देम इंट्रोड्यूस, टू गेट देम से स्ट्रेट अवे डायरेक्शन दिस टॉक. लाइक उनको एक वो अभी भी पर्दे के पीछे है कुछ. There are some hidden, no doubt we're not saying that things are not changing. Things are definitely, they are changing. But this change means little bit lack somewhere. So lack should not be there, there should be a straight away. If you are saying Kashmir hamara hai, Jammu Kashmir ke log hum hai, hum Jammu and Kashmir hai. So why not Jammu Kashmir ke log? Why not the fraternities from industry? Why not from the people from like jo ek political wing mein ho, students wing ho, ya koi bhi, why not females from the Jammu and Kashmir? एटलीस्ट उनका भी तो हक बनता है. यू आर वेलकमिंग द डेलीगेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो वेयर आर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर दे नॉट वर्थ टू वेलकम देम, और यू आर स्टिल हाइडिंग दीज थिंग्स? नो, अभी आपका आना जरूरी नहीं. आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी, दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड अगर आप बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की बहबूदी के लिए, सो जम्मू कश्मीर के लोग किधर है? आप देखिए पठानिया साहब, कई सारे पॉइंट यहाँ पर सुजाता जी ने रेज किए हैं कि कश्मीर को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कश्मीरी कहाँ है. कई सारी बातें इन्होंने की हैं यहाँ पर कि कश्मीर के लोग इसमें कहाँ है, वेलकम करने के लिए बाहर से क्यों लोग, डेलीगेट से मिलने के लिए क्यों इजाजत नहीं बात करने को. तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन रेज हो रहा है, ये सब क्यों? देखिए, पहले तो क्लेरिफाई कर दूं कि जिन खवातीन ने, जिन फीमेल्स ने उनका वेलकम किया फ्रॉम जम्मू एज वेल एज फ्रॉम कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के ट्रेडिशनल ड्रेस में क्लैड होकर वहां पे उनको वेलकम किया गया है. जहां तक बात है डिस्कशन और डिलीबरेशन की, मैडम मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे सुन लें प्लीज. देखें, दूसरा मेरा एक विनम्र अनुरोध है सबसे कि ये एक इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल समिट connotes an international perspective and an international interaction also. तो उस international perspective, अंतर्राष्ट्रीय perspective में, अंतर्राष्ट्रीय debate में, ना सिर्फ राज्य level पे political parties, मुझे लगता है राष्ट्रीय level पे भी political parties, they put not be in a position to discuss and deliberate. अरे इतने मुल्क बैठ के discussion कर रहे हैं, सबसे पहले उनका विषय होगा climate change, उनका विषय होगा global terror, और कश्मीर में अगर बैठे हैं तो सबसे बड़ा उनका important जो विषय है, that is tourism promotion. तो टूरिज्म प्रमोशन पर बतौर कंट्री बात की जा रही है. ये कोई वो जिसे कहते हैं कोई इंटरलोक्यूटर्स का कोई दौरा नहीं है कश्मीर में कि आपने, या कोई बाहर से कोई जिसे कहते हैं कोई यूएन का कोई कोई इंटरेक्शन ग्रुप नहीं आया कश्मीर में कि हर एक को मौका दिया जाए बात करने का. आपके ध्यान में रहे कि ये कुछ कंट्रीज के ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेटेड डेलीगेट्स हैं जो एक स्पेसिफाइड जिसे कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे वहां पे डिस्कशन करने आ रहे हैं. हमें खुश होना चाहिए. मैंने कहा कि ना कि दाएं बाएं और जिसे कहते हैं एक कोई नेगेटिव या नकारात्मक बात करने से अलावा हमें करना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी. अरे भाई, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा समिट, इतना बड़ा माहौल पूरे विश्व भर में, कश्मीर इस वक्त अंतरराष्ट्रीय जिसे कहते हैं पटल पे आ चुका है. एक वक्त था, मैं पहले भी शायद आपके चैनल पर बात किया, कि यहाँ पे तो एक फुटबॉल मैच करवाना मुश्किल हो गया था, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करवाना मुश्किल था. आज इतने बड़े कंट्रीज की जिसे कहते हैं सक्सेसफुल समिट हो रही है, और आज जो मनोज सिन्हा जी ने जो डिस्कस और डिफाइन करके उनको जो सरकार की तरफ से बात की है, और जो जम्मू कश्मीर के सरकार की जो अचीवमेंट्स उनको बताई हैं, वो भी एक सराहने योग्य है, समझने योग्य है, और लोगों में जिसे कहते हैं उसका प्रचार और मुश्ताक अली साहब, मुश्ताक अली साहब, क्या आप अग्री कर रहे हैं इस बात से कि हालांकि सुजाता जी ने भी वही पॉइंट रेज किया जो आपने किया कि लोकल फिल्म मेकर्स, जो लोकल आर्टिस्ट है कश्मीर से वाबस्ता है, उनको इंक्लूड नहीं किया? मैं बता रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू जनाब
पठानिया साहब, इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं पूरी. I have been participating in so many debates like this and giving bites on different aspects of my government. I say my government's planning and other decisions about filmmaking, film policy and other things for artists and films. I have been very positive. I am not a negative person. आप मेरी बात को नकार मत कहिए, नेगेटिव मत कहिए. आई हैव बीन पॉजिटिव एंड आई एम पॉजिटिव. चाहे ये टूरिज्म के लिए, जनरल टूरिज्म के लिए लिए जाए या फिल्म टूरिज्म, फिल्म तो स्पेशली क्योंकि मेरा फील्ड है, उस पर मैं खुश हूं. आपने मेरी बात से सुनी नहीं, मैं नाखुश नहीं हूं. मैं G20 के होने पे और जो इस पे सब्जेक्ट है, G20 होता, पॉलिटिकल होता तो मैं शायद ठीक है, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह होता, लेकिन दिस G20 इज ऑन टूरिज्म एंड टूरिज्म ऑल्सो ऑन फिल्म टूरिज्म. ये तो मेरा सब्जेक्ट है. मैं, मेरे से ज्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन जहां मैं खुश हूं वहां एक छोटी सी शिकायत है. आप बोलते हैं ये इंटरनेशनल लेवल का वो था, तो एक लोकल फिल्म मेकर या G&K का फिल्म मेकर का क्या काम है? क्या हमें वहां एक इनविटेशन कार्ड भी नहीं मिल सकता था? हम बैठ के सुनते क्या बात होती हॉल में बैठ के? क्या हम उस लायक भी नहीं थे? जबकि बात हमारे हमारी वादी, हमारी यूटी की हो रही है, ये मेरी शिकायत है. ये मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि ये क्यों, मैं बहुत खुश हूं. आई सल्यूट माई LG मनोज सिन्हा साहब, आई सल्यूट माई मोदी साहब. मैं चाहता हूं ऐसी चीजें और हों जिसमें कश्मीरी इकोनॉमी, देखिए इनडायरेक्टली तो इकोनॉमी बढ़नी है, चाहे वो टूरिज्म से बढ़े, चाहे फिल्म शूटिंग से, क्योंकि मेरा फिल्म से डायरेक्ट ताल्लुक है, इसलिए मैं चाहूंगा मेरे फील्ड से बढ़े तो ज्यादा अच्छा है. तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस फिल्म पे डिस्कशन होगा. एक बार बता, आपको बताऊं, एक दो महीने पहले जब ये G20 की बात चली, मुझे ये मालूम नहीं था कि फिल्म टूरिज्म पे बात होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ गए और मैंने सुना ये फिल्म टूरिज्म पे, आई वॉज एक्साइटेड. आई एम टूडे, आज 23rd है, आई एम टूडे ऑल्सो एक्साइटेड कि ये बात फिल्म टूरिज्म को लेकर हो रही है. मैं खुश हूं, लेकिन जहां खुश हूं वहां एक छोटी सी शिकायत भी कर सकता हूं. छोटी सी शिकायत है, नेगेटिविटी नहीं है, खुश है जो कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से. बस शिकायत है कि क्यों इनवाइट नहीं किया गया. पठानिया साहब, जहां पर अगर हम बात करें कि चाहे धर्मा प्रोडक्शंस हो, नेटफ्लिक्स हो, हालांकि जायंट्स है, बहुत ही बड़े ग्रुप्स है, उनको अगर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो बात मुश्ताक साहब ने उठाई कि हमारे बारे में, अगर हमारी यूटी के बारे में बात है, हमारा टूरिज्म प्रमोट करने की, हमारे कल्चर को आगे प्रमोट करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें एक मौका तो मिलना चाहिए था. ये इनकी एक शिकायत है. शिकायत नहीं है, लाइक आप प्रमोट कर रहे हैं कश्मीर J&K को. सुजादा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इसके बाद मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आपकी राय भी जानना चाहूंगी, लेकिन ये सवाल मेरा पठानिया साहब से. जम्मू कश्मीर है तो पैराडाइज है, लेकिन इस पैराडाइज में मार, इस पैराडाइज में गोली, इस पैराडाइज में जिसे कहते हैं नफरत, इस पैराडाइज में एक बिगड़ा माहौल, विकास नहीं, तरक्की नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं, और दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट. लेकिन आज जैसे LG मनोज सिन्हा जी ने एक बड़ा डिटेल्ड एक एम्फेसिस दिया है इंडस्ट्रियल पार्ट पे, फिल्म पार्ट पे, रूरल लाइवलीहुड मिशन पार्ट पे, या हर एक जिसे कहते हैं एक शोभा में जम्मू कश्मीर ने किस तरीके से वापस ट्रैक पे है, मुझे लगता है नाउ वी हैव बिकम पैराडाइज गेन्ड. बिल्कुल, ये जो G20 इवेंट है इसमें खास तौर से ये मुद्दे कि कश्मीर किस तरह से एक चेंज्ड वे में आगे आ रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है, नया कश्मीर में नया क्या है, इस पर खास बातें हो रही हैं, और साथ ही साथ ये फिल्म टूरिज्म के प्रमोशन के हवाले से क्या कुछ नया मिलेगा. बहरहाल सब यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कश्मीर डेवलप हो और भी ज्यादा वहां के लोग आगे बढ़े. इस पर मजीद बात करेंगे, सुजादा जी से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अब हुरेरा. आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में. जन्नत नसीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक. 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित. कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा. अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन.
कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया, कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा, अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है, कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच, कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है। वाहनों और पैदल चलने वालों की हर आवाजाही की जांच की जा रही है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर घाटी के अन्य हिस्सों की तरह उत्तरी कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए राजमार्गों और सभी सड़कों पर पुलिस, सेना और CRPF के जवानों को तैनात किया गया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो आपको बता दें कि जहां कश्मीर में 300 के करीब जो है फिल्म डेस्टिनेशंस रिकॉग्नाइज की गई है, उनकी निशानदेही की गई है, वहीं ये बात भी की जा रही है कि जहां एक तरफ फिल्म डेस्टिनेशंस रिकॉग्नाइज की गई है, क्या फिर उसके बाद उनको और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा तो बिल्कुल कर रही है कि G20 एक ऐसा इवेंट है, इसके जरिए ये जो 20 ममालिक है इनके साथ, इनके फिल्म टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कोलैब किया जाएगा और इस तरह से फिल्म टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये भी बात आती है कि डेस्टिनेशंस तो है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की भी बात आती है, आगे किस तरह से फिर इन डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा, उन पर सेट्स किस तरह से कायम किए जाएंगे, क्या कोई फिल्म सिटी भी होगी और उसमें लोकल्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जाना चाहेंगे सुजादा साहिबा के पास। आपने बात सुनी, पठानिया साहब ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, इसमें बातें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की, बड़े बड़े मुद्दे बात हो रहे हैं, यहां पर लोकल या फिर नेशनल लेवल की पार्टीज भी इंक्लूड नहीं की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की के सतह पर डेलीगेट्स यहां पर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या आप इस बात से अग्री करती हैं? जब आप एक डेलीगेट्स इंटरनेशनल लेवल पे जब आते हैं, इट्स द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस देयर लोकलाइट्स, नॉट द पीपल फ्रॉम आउटसाइड दैट स्टेट और द यूटी। हु इज फ्रॉम द JNK? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज फ्रॉम द JNK? हु इज रिप्रेजेंटिंग द JNK? ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एटलीस्ट जब तक, लाइक इट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर थिंकिंग नेगेटिव, बट द थिंग इज अगेन देयर इज स्टिल वन थिंग इन द माइंड कि हम कहां हैं, हमारे लिए हमें क्यों नहीं बुलाया गया। अगर इतना बड़ा डेलीगेशन था, इंटरनेशनल डेलीगेशन थे, जब बाकी मुल्कों में लोग जाते हैं, डेलीगेटर्स जाते हैं, तो वहां के लोगों से वो सुनते हैं, दे आस्क, दे लिसन देयर क्वेश्चंस, बट व्हाई नॉट फ्रॉम द JNK? इट मींस स्टिल यहां जम्मू एंड कश्मीर को एक पॉइंट पे रखा है कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू मीट एनी वन। And restrictions देखिए कितनी है, the moment they entered the Nehru Park after the barricades, the public suffering, everything, why this thing again? लोग क्यों ये सफर हो रहे हैं? एक फ्री एनवायरमेंट दीजिए आप लोगों को, अगर कोई मिलना भी चाह रहा है, keep a point, keep a 1 hour delegated meeting with the public, keep an admin, at least सब तो नहीं मिलेंगे ये तो पता ही है, but जितने भी आप 5 लोग 10 लोग उनको select कर दीजिए, high dignities, let them meet these people, let them get introduced with the people of Kashmir. Who is from the Jammu and Kashmir? आप film industry की बात करिए, tourism की बात करिए, students की बात करिए, youth की, कोई नहीं, no one from the people of Jammu and Kashmir, just a people from outside, जो इनके साथ है, जो इनको वेलकम कर रहा है, जो यहाँ इवन जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी है वो भी बाहर से। सो वेयर इज जम्मू एंड कश्मीर स्टैंडिंग द टूरिज्म? टूरिज्म उनको होगा या उनको कश्मीर को तब फायदा होगा जब आप आज से इस मिनट से JNK के लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दें, ना कि आप बाहर से लोगों को आ जाए एंड गिव देम अ कॉन्ट्रैक्ट, यू पुट देम हेयर, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट देयर एवरीथिंग, नो दिस इज नॉट द वे। पठानिया साहब, आपने शायद देखी होंगी इंटरनेशनल डेलीगेशंस जहां भी होती है, वहां के उन एरियाज के लोगों को, उस स्टेट के लोगों को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप जब प्रमोट कर रहे टूरिज्म,
टूरिज्म मीन्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज अ टूरिज्म, व्हाट इंक्लूड्स इन द टूरिज्म, इसमें क्या क्या हमें मिलता है और क्या क्या हमारे फायदे मिल सकते हैं, हमें वो डिस्कशन करना, ना कि शो देम ए शोपीस दैट यू आर हियर एंड वी आर होस्टिंग एन वेरी गुड फूड फॉर यू, वी आर पुटिंग एन गुड अकोमोडेशन फॉर यू. नो, दिस इज नॉट द इंटरनेशनल डेलीगेटर्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड. आई एम वेरी सॉरी इफ माई वर्ड्स हर्ट यू और एनी वन हर्ट्स यू, हर्ट्स माई वर्ड्स, बट दिस इज द ट्रूथ कि आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपको 100, 250 नहीं, एटलीस्ट 5 को ही आप लेके चले जाते, एटलीस्ट वो एक रिप्रेजेंट करते जम्मू एंड कश्मीर, उनसे मिलते, उनको सुन ही लेते एटलीस्ट कुछ नहीं. जैसे अभी अली साहब ने बोला कि एटलीस्ट हम सुन ही लेते, हम कुछ नहीं वहां भी कर लेते या क्वेश्चन नहीं कर, बट लेट अस लिसन वॉट इज गोइंग इन देयर माइंड, वॉट आर दे गोइंग टू गिव अस, एंड इफ वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, वॉट आर वी गोइंग टू गेट बैक, वेयर वाई वी आर स्टैंडिंग, इट मीन्स हम लोग कहीं है ही नहीं. जस्ट एक आई वॉश की तरह ना रखे ना कश्मीर को, आप कश्मीर को कश्मीर समझिए. आप बोल रहे हैं हमें जम्मू से लोग हैं, नो दे आर नॉट फ्रॉम जम्मू और कश्मीर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग दूर से पहचाने जाते हैं. सी देयर फेसेस, सी देयर ड्रेसेस, दे आर नॉट द कश्मीरी ड्रेसेस, दे आर नॉट द वीमेन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. आप गौर से देखिए, जो भी इंट्रोड्यूस, जो भी वेलकम कर रहा है एयरपोर्ट, दे आर नॉट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर. आप उनको गौर से देखिए, जूम करिए एंड सी देयर फेसेस. एंड जब आप बोल रहे हैं कश्मीर, तो कश्मीर के लोग कहाँ हैं? क्या उनको अभी भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि आप अपने घरों में रहिए? बिजनेस आज उनका सफर हो रहा है, 2 दिन से और दुकानें नहीं पूरी तरह से चल रही, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ट्रैफिक चल रहा है. आपको यहां से यहां नहीं जाना, यहां से यहां नहीं जाना है, वहां से वहां नहीं. ठीक है, एक एरिया आप कवर कर लें, बट पूरा सारा श्रीनगर पूरा बंद है. जस्ट गो अहेड एंड सी दैट थिंग. एंड स्पेशली ये डेलीगेटर्स आए हैं कि हमें यहां प्रमोट करना है टूरिज्म, सो आप वो टूरिज्म को किधर दिखा रहे हैं? आर द पीपल, आर द, just ask one question for you, who is presenting Jammu Kashmir tourism, who is introducing, so who is giving the presenting Jammu Kashmir, who is introducing the Jammu Kashmir tourism, or कॉन्ट्रैक्ट किनको मिल रहा है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या है? ये सवाल, ये सारे पॉइंट सुजादा जी के, जिनका जवाब हम पठानिया साहब आपसे चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या कुछ इस पर कहना है आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा. आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में. जन्नत नसीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक. 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम. केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित. कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा. अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन. कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया. कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी. G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा. श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल. फिल्म RRR को लेकर की चर्चा. अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस. कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना. G20 इवेंट का दूसरा दिन जिसकी सरबराही हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है. हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं. सीधा उन सवालों पर आते हैं जो सुजाता जी ने उठाए हैं पठानिया साहब से. उन्होंने पूछे हैं कि 2 दिन से बिजनेस अफेक्ट हो रहा है श्रीनगर में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, जिनकी बेहतरी के लिए इवेंट किया गया है उनको फायदा नहीं हो रहा है. अब इतनी भी शिकायत ना होती अगर उनको रिप्रेजेंट किया गया होता, अगर उनको शामिल किया गया होता, न वेलकम करने दिया न कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ऐसा क्यों? कौन J&K को रिप्रेजेंट कर रहा है पठानिया साहब? कश्मीर के जितने भी कंसर्न्स हैं, और विशेषकर अगर टूरिज्म ग्रुप का अगर बैठक है तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रही जम्मू कश्मीर की सरकार. जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत सरकार का टूरिज्म विभाग इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है. जहां तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, कश्मीर में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है
कि आपको दुकान बंद रखनी है या आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, एक रेगुलेशन रेगुलेट किया गया हुआ है ट्रैफिक और मूवमेंट भी थोड़ा सा रेगुलेट सर्वेलेंस में है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क और अब एक दूसरा भी पड़ोसी मुल्क खुल के जिसे कहते हैं कन्फ्रंटेशन पे कोई ना कोई एक बड़ा मसला बनाने की फिराक पे रहते हैं। और ऐसा ना हो कि इस G20 इवेंट पे भी जो काला साया एक सिक्योरिटी का सर्वेलेंस का जो मंडरा है कोई ऐसा अनहैपी जिसे कहते हैं को मसला हो जाए मौजूद हो जाए जिससे पूरा इस इवेंट का सिग्निफिकेंस ही बिटल डाउन हो जाए, तो वी शुड बेयर विद इट। हमें प्रैक्टिकली समझना चाहिए उसमें कि आप देखें, आप दूसरी तरफ का अगर देखें अगर इसको बिल्कुल ही खुला ओपन एंडेड छोड़, एक तो है कि ये कॉन्फ्रेंस करें ही ना, दूसरा इस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल ओपन एंडेड ही छोड़ दे अगर कोई ऐसा नुकसान डैमेज हो जाए जिससे इस इवेंट की सिग्निफिकेंस से कम ये इवेंट जम्मू कश्मीर को ही डैमेज कर जाए, लेकिन फिर भी जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो जो परेशानी जो तकलीफ और विशेषकर कश्मीर में अगर हो रही है तो कश्मीर के जो स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत जो तकलीफ रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलूंगा रेगुलेशन के तौर पे अगर थोड़ा बहुत तकलीफ उठाई उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज इसका एक ब्रॉडर एक जिसे कहते हैं एक मोटे तौर पर अगर आप देखें कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। जम्मू कश्मीर मैंने कहा पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज गेन्ड, जम्मू कश्मीर भारत का ताज था और है। जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी स्टेट जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर अपने टोटल रिसोर्सेज के साथ जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह भी नहीं दे सकता है। जम्मू एंड कश्मीर मैं जब MLA था तो मैंने विधानसभा में आंकड़ों के साथ बात की थी कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा ग्रांटेड एड जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार से दी है लगातार पिछले 10-15-20 वर्षों में। बिल्कुल, मुश्ताक अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि काफी रिसोर्सेज की कमी है, हालांकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है जिसके जरिए फिर रिसोर्सेज पैदा हो सकते हैं और अपने आप में एक स्ट्रांग यूटी के तौर पर उभर सकता है J&K। वही मुश्ताक अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली साहब। जी जी, वक्त कम है इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी कुछ बोलने के लिए। मैं कंक्लूड अपनी बात करने से पहले कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे जैसे सोच रखने वाले लोग बहुत पॉजिटिव हैं इस G20 के इनकाद पे और वी थैंक अवर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली LG मनोज सिन्हा साहब के। और मैं एक चीज बताऊं, G20 से पहले भी फिल्म के लिए बहुत काम हुआ है, ये इसका जिक्र नहीं हुआ मैं कर देता हूं। पिछले 2-3 महीने में तकरीबन 250 फिल्मों को परमिशन मिला है शूट करने के लिए J&K में, और पिछले 1 महीने या 15 दिन में डिसाइड हुआ है कि 300 नए स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कश्मीर में जहां शूटिंग्स हो सकती हैं। सिर्फ पहलगाम गुलमर्ग सोनमर्ग ही काफी नहीं है, कश्मीर में और भी जगह हैं ताकि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो। तो उस पर भी मैं अपनी गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सल्यूट करता हूं। और G20 तो एक और मतलब हमें मौका मिला सब चीजों को हाईलाइट करने का, सब चीजों को और इंटरनेशनल न्यूज में लाने का, जिसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। बस एक छोटी सी बात वही रहेगी कि आर्टिस्ट है, इसको खाना बेशक कम मिले लेकिन इज्जत और गैरत का ये मारा होता है, इसको इज्जत थोड़ी दे दिया करें आर्टिस्ट को, मिलना चाहिए। लास्ट कमेंट बस 10 सेकंड में, सुजादा जी आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे, 10 सेकंड। जी सुजादा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल जिस तरह से बात हो रही है कि इरादा यही है, इंटेंशन यही है और सब यही चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी शो में से हो। पाकिस्तान ताड़ में है कि हमारे को वॉर न करे, गिव देम अ आंसर, नो ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम लोग दिल में सोच रहे हो वो खत्म हो चुका है। एक जम्मू एक कश्मीर एक इंडिया को G20 में लाया गया है एंड गिव देम एन आंसर कि नहीं, यहाँ के लोग अब आपके लोग बहकावे में नहीं आएंगे। यहाँ के लोग मिलना चाह रहे अपनी बहबूदी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे, ना कि हम आप लोगों के इन चीजों से डरेंगे। ये छोटी छोटी चीजें अब बंद करिए। सो बेटर है कि
हम लोग एक अच्छी एक आंसर टू नेबरिंग कंट्रीज जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर माहौल खराब हो तो उनको भी एक जवाब इस इवेंट के जरिए से। बहरहाल आपको बता दें कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है हर बार बदलती है, रोटेट होती है 20 मुल्कों में। इस बार जो प्रेसिडेंसी मिली वो इंडिया को मिली, इसलिए यह अहम हो जाती है कि किस तरह से ये मुल्क अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाता है ग्लोबल लेवल पे। हमारे तीनों खास मेहमान सुजादा साहिबा, पठानिया साहब और मुश्ताक अली साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।